आपका कौन सा भाई स्कूल नहीं जाता? आपका कौन सा भाई स्कूल नहीं जाता? ये एक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। आपको इस सेंटेंस को बनाना है, चाहे लिखना बोलूं चाहे बोलना कहूं, दोनों ही केसेस में आपको बनाना तो आना चाहिए। कैसे बनाएंगे आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में? वीडियो को पॉज करके जरा सोचिए। आपका कौन सा भाई स्कूल नहीं जाता, इस सेंटेंस को बनाया जाएगा Which brother of yours doesn't go to school? Which brother of yours? तो आपने यहां पर देखा, कौन सा को तो which कहते हैं, लेकिन आपका कौन सा भाई के लिए मैंने क्या कहा? Which brother of yours? तो ये जो ग्रुप है ना, WH फैमिली के मेंबर के साथ में कुछ और वर्ड्स लग करके आए, ये जो ग्रुप है इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में WH फैमिली के मेंबर्स, चाहे what, why, which, how, जो सिंपल है, लेकिन उसके अलावा कुछ ग्रुप्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। आज की ये वीडियो सिर्फ रटने की वीडियो है, आपको रट लेना है ताकि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप बनाएं तो आपको मदद मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला वर्ड क्या, क्या को हम क्या कहते हैं? व्हाट, WHAT, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, ईयरफोन लगा लीजिए और केवल सुन लीजिए, 5-6 बार सुन लेंगे, सबके सब आपको याद हो जाएंगे। क्या क्या, व्हाट ऑल। अब देखिए यहां पर 2 बार आया ना क्या, तो देखिए व्हाट ऑल हो गया, है ना इंटरेस्टिंग। क्यों, व्हाई, कब, व्हेन, कब और क्यों, व्हेन एंड व्हाई, कब कब, हाउ ऑफन, कहां, वेयर, कहां कहां, वेयर ऑल, कैसे, हाउ, किस तरह, हाउ कम, किस तरह का, वट काइंड ऑफ, या फिर वट टाइप ऑफ, कैसे कैसे लोग, वट काइंड ऑफ पीपल, या वट टाइप ऑफ पीपल, कौन, हु, कौन कौन, हु ऑल, कौन सा, विच, कौन कौन से, विच ऑल, किसका, हूज, किसे या किससे या किसको, तीनों के लिए यूज करते हैं whom, किसे किससे या किसको, whom, कितने, हाउ मैनी, कितने लोग, हाउ मैनी पीपल, ऐसे कितने लोग, हाउ मैनी सच पीपल, आप में से कितने, हाउ मैनी ऑफ यू, कितना, हाउ मच। देखिए जिसे गिना जा सकता है उसे तो हम कहते हैं हाउ मैनी, और जिसे गिना नहीं जा सकता यानी कि जो काउंटेबल नहीं है उसे हम कहते हैं हाउ मच। कितनी चीनी, हाउ मच शुगर, कितने किलोग्राम चीनी, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, चीनी के कितने दाने, हाउ मैनी शुगर ग्रेन्स, कितना चावल, हाउ मच राइस, राइस के कितने दाने, हाउ मैनी राइस ग्रेन्स, कितने किलोग्राम चावल, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस, कितना दूध, हाउ मच मिल्क, दूध के कितने ग्लास, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, कितने लीटर दूध, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, मेरे कितने भाई, हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ माइन, तुम्हारे कितने भाई, हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ योर्स, कब तक, अंटिल व्हेन, कितने बजे तक, टिल व्हाट टाइम, या फिर बाय व्हाट टाइम, कब से के लिए हम सिंस व्हेन, या फिर फ्रॉम व्हेन, या फिर फॉर हाउ लॉन्ग, तीनों का यूज करते हैं, सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, किसके साथ, विद हुम, किसके लिए, फॉर हुम, किसके बारे में, अबाउट हुम, किसकी तरफ, टुवर्ड्स हुम, किसके द्वारा, बाय हुम, कहां से, फ्रॉम वेयर, किस लिए, फॉर व्हाट, या फिर हम कहते हैं व्हाट फॉर, दोनों का एक ही मतलब आता है, किस लिए, कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटिफुल, कितना दूर, हाउ फार, कितना अच्छा, हाउ गुड, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, कितना पुराना, हाउ ओल्ड, अ
अच्छा हाउ ओल्ड का यूज हम कितना बड़ा के लिए भी तो करते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा है तो कितना बड़ा, उसके लिए भी हाउ ओल्ड। कितनी जल्दी, हाउ सून, किस तरह से, इन व्हाट वे, और क्या, व्हाट एल्स, इसका यूज कैसे होता है। जैसे एक सेंटेंस रखता हूं, आपके पास और क्या है, आपके पास और क्या है, व्हाट एल्स डू यू हैव, तो हुआ ना यहां पर व्हाट एल्स का यूज। आगे बढ़ते हैं, जो कुछ भी, व्हाट एवर, जो कुछ भी, व्हाट एवर, जो कुछ भी के लिए आप व्हाटसोएवर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है तो क्या, या फिर तब क्या, या फिर क्या, व्हाट देन, जब कभी, व्हेनेवर या व्हेनसोएवर, जबकि के लिए आप यूज करते हैं वेयर एज, जिसमें के लिए आप यूज करते हैं वेयर इन, जो कुछ भी, जो कुछ भी, वट एवर, किस तरह का या किस प्रकार का, विच टाइप ऑफ, जो कोई भी, हुएवर या हुसोएवर, जिस किसी को भी, हुमेवर या हुमसोएवर, ऐसा क्यों, वाई सो, किस ऑफिस से, फ्रॉम विच ऑफिस, किसके ऑफिस से, फ्रॉम हूज ऑफिस, किस लड़के के साथ, विद विच बॉय, किस शहर की तरफ, टूवर्ड्स विच सिटी, किस गली से, फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस कंपनी के लिए, फॉर विच कंपनी, किस ग्लास में, इन विच ग्लास, किस रूम में, इन विच रूम, किन लोगों के साथ, विद हु पीपल, किन किन के साथ, विद हु ऑल, किसके बेटे के लिए, फॉर हु सन, मेरा कौन सा भाई, विच ब्रदर ऑफ माइन, तुम्हारी कौन सी बहन, विच सिस्टर ऑफ योर्स, किस लड़की का भाई, विच गर्ल्स ब्रदर, और आखिरी है किस स्कूल का विद्यार्थी, विच स्कूल्स स्टूडेंट। उम्मीद है आपने WH फैमिली के इन मेंबर्स को, इनके ग्रुप्स को रट लिया होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब आप एक काम और कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस एग्जांपल्स मैंने आपके लिए एक आर्टिकल में लिखे हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस आर्टिकल पर जरूर जाइए और उससे एक आइडिया ले लीजिए कि किस तरह से इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को हम पहुंचाएं और वो अंग्रेजी में सक्षम बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टेक केयर, गुड बाय।